लोकसभा के बाद अब बारी राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की बोलने की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। जिस तरीके से मोदी ने लोकसभा के अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधा था, ठीक उसी अंदाज में राज्यसभा में भी कांग्रेस पर निशाना साधा। मृत्यु से लेकर मनमोहन सिंह तक पर मोदी ने वार किया और लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे। सुनिए मोदी के भाषण का वो अंश, वो हिस्सा जिसमें कांग्रेस पर तंज कसा गया। तंज ऐसा कि शायरी के बहाने भी निशाने पर कांग्रेसी ही रहे। एक बात जरूर है, मृत्यु को एक वरदान है। अब मृत्यु का ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता, कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगता। कोई मरे तो वह कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पे जाता है। कोई मरे तो वह अकस्मात मरा है तो अकस्मात पर आरोप जाता है, मृत्यु पर नहीं जाता। बड़ी आयु में मरे तो उम्र के कारण मरे हैं, मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो आपने मीडिया में देखा होगा विपक्ष पे हमला, विपक्ष पे आरोप। कभी ये नहीं आता है कि कांग्रेस पे हमला, कांग्रेस पे आरोप। हम अगर शरद जी के खिलाफ कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें तो अखबार में आएगा, टीवी में आएगा कि बीएसपी पर हमला, जेडीयू पर हमला, शरद जी पर हमला, मायावती जी। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी है जब भी हमला हो तो विपक्ष पर हमला। कभी कांग्रेस को बदनामी नहीं मिलती है। अब ये अपने आप में एक बड़ा गजब का विज्ञान है जी। तो ये अब वो तो यही हमारे सारे साथी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो। हमारे माननीय विपक्ष नेता जी ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूं कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जनधन अकाउंट से रह गया है और उसका रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। होना यही चाहिए तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी। और ये सदन के सदस्यों का यही काम होता है। ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है। और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य के चर्चा नहीं करता। मैं इस प्रयास को अच्छा मानता क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आ जाती है और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की। सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेड़ी, बाल की खाल उधेड़ी। लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा, मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले। लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत कर मेरे जिम्मे ना। आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारे करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल दें, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां चल, जो लोग सरकार में रहे उनको मालूम है, हमें हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें
करना चाहिए। माननीय हमारे गुलाम नबी साहब ने विषय निकाला स्किल डेवलपमेंट का। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था वगैरह वगैरह। वैसे हमारे देश में स्किल ये परंपरागत पर है, लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास किया। अब बात कहां जाकर के अटकती है? अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं, यही पॉल्यूशन है, तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी ये तो हमने शुरू किया था। सही बात है, श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, शुरू किया। अब सवाल यह उठता है कि शुरू किया उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है। अगर शुरू किया था तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों है, क्या कमी रही? और इसलिए हर बार ये तो हमारे समय हुआ था, ये उत्साह का अपना एक महत्व है। श्रेय लेने का प्रयास करने में कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, ये आपका मन करेगा। देखिए दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते हैं। आप इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी। रजनीताय सावकाश, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज सिट डाउन। मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जिस अवस्था में से पला बड़ा हूं तो गरीब किसानों के नजदीक से देखा है, और इसलिए मुझे वो बड़ा ज्ञान तो नहीं है लेकिन छोटी सी चीजों का पता है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो परिणाम। मैं एक हमारे देश में इस विषय के जानकार है श्रीमान M.S. स्वामीनाथन, उनका एक लेटेस्ट आर्टिकल का कोट मैं कहना चाहता हूं। सीड्स हैव बीन शोन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन फार्मिंग। द डाउन of a new era in farming is in sight. यहां पर स्वच्छता की चर्चा हुई और यह कहा गया कि भाई यह काम तो हमारे समय भी चलता था, हमने किसी चीज की बात नहीं कही है, यह सब आप ही की देन है जी। हम कभी क्लेम नहीं करते हमारी देन है, आप ही की देन है कि आज हमको दिन रात मेहनत करके स्कूलों में 4 लाख टॉयलेट बनाने पड़े। आपने अगर बना करके दिया होता तो काम हमारा कम हो जाता। और इसलिए कोई ये नहीं कहता, कहने का तात्पर्य समस्याएं पुरानी है, समस्याएं नई नहीं है, समस्याओं का समाधान करने के प्रयास अविरत चले हैं। हर किसी ने अपने अपने समय उसमें कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास किया है, उस समय की स्थिति के अनुसार, अवेलेबल रिसोर्सेज के अनुसार हमने भी एक प्रयास किया है। और यह खुशी की बात है, देखिए 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम आया था, तब से लेकर के रिकॉर्ड पर इन चीजें अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हम अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। परिणाम प्राप्त करना है तो हमने जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा।
और मैं आज इस बात को संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज स्वच्छता ये जन आंदोलन बनने की दिशा में जा रहा है। हमारी संसद ने देश आजाद होने के बाद कभी भी स्वच्छता पर डिबेट नहीं की थी, पहली बार इस देश में पार्लियामेंट ने दो दो तीन तीन घंटे तक स्वच्छता पर चर्चा की। हो सकता है सरकार की आलोचना हुई होगी, लेकिन कम से कम इस सदन के लोग, उस सदन के लोग इस बात पर सेंसिटाइज हुए हैं कि अब इसको ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, बदलना चाहिए। एक अच्छा माहौल बन रहा है, हम सब उसको बल कैसे दें उस दिशा में सोचे। कोई दावा नहीं करता है कि हम ही लाए हैं, जो है उसको हमारे बाद कोई आएंगे तो वो उसको इंप्रूव करेंगे, उनके बाद कोई आएगा और इंप्रूव करेंगे, और हो सकता है कि स्थिति ऐसी है कि करना ना पड़े, वो जन सामान्य का विषय बन जाए, लेकिन हमें करना होगा। और जब तक हम इसको नहीं करेंगे, हमने अभी शहरों की एक चैलेंजिंग मोड में कंपटीशन शुरू किया है, उसका परिणाम ये आया है, अर्बन मिनिस्ट्री कर रही है, आज शहरों में उस शहर की इलेक्टेड बॉडी पर दबाव बढ़ रहा है कि भाई उन तीन में तुम्हारा नाम क्यों नहीं, हमारे शहर का नाम क्यों नहीं है। मैं बनारस का एमपी हूं, बनारस के नागरिक बनारस म्यूनिसिपैलिटी पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई क्या बात है, ये स्वच्छता के अंदर बनारस क्यों नजर नहीं आ रहा है। जनता का प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, और मैं तो चाहता हूं आप भी जहां जहां हो आप भी ये प्रेशर बढ़ाइए, सरकार को मजबूर कीजिए, सभी इलेक्टेड बॉडीज को मजबूर कीजिए। हम स्वच्छता को हमारे देश हित का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने, महात्मा गांधी का जो सपना था 2019 में पूरा करना हम सबका दायित्व क्यों नहीं हो सकता। इस सरकार उस सरकार का नहीं हो सकता है मेरे सभी माननीय सदस्यगण, ये हम सबका होना है। मैं देख रहा हूं मीडिया हाउस दुनिया भर के विषय में हमारी आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं, ये एक विषय ऐसा है कि देश का मीडिया पार्टनर बना है, कहीं ना कहीं मीडिया के लोग इस काम को कर रहे हैं, खुद कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसको एक हम सबका कार्यक्रम बनाएंगे तो देश की और देश को टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम आएगा। और स्वच्छता, जो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं उनके लिए तो सबसे पहले करने जैसा काम है, क्योंकि WHO का रिपोर्ट कहता है, इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण गरीबी में जीने वाले परिवारों को सालाना एवरेज 7,000 रुपया दवाई में खर्च होता है। अगर ये उसकी बीमारी जाए इसके कारण कितनी बड़ी सेवा होगी। और मैं मानता हूं ये काम ऐसा है जो हमने किसी भी प्रकार की वनपमेंट सिवाय जिन्होंने किया है उससे हम आगे बढ़ाएं, जितना किया है उसको और अधिक करें, इस रूप में हम करेंगे। और इसलिए मैं समाप्त करने से पहले एक मशहूर शायर निदा फाजली की जो बात है, अभी अभी उनका स्वर्गवास होगा, उनकी बात कहकर के मेरी बात मैं समाप्त करूंगा। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां
यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।